क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक घर बनाने में कितना खर्च लग सकता है और फिर उसके लिए कितना लेबर और कितना मटेरियल कॉस्ट लगेगा। तो अगर आप ये सभी चीजें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो पूरा देखें। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे 1000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया के घर का, मतलब एक ऐसा घर जिसका टोटल यूजेबल एरिया इंक्लूडिंग बालकनी एंड टेरेस है 1000 स्क्वायर फीट। तो इसका हम टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालेंगे और ये भी देखेंगे कि एक स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना हो सकता है, विच इंक्लूड्स लेबर एंड मटेरियल बोथ, मतलब इसमें लेबर और मटेरियल दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में बात करेंगे, मतलब क्वालिटी के हिसाब से कितने टाइप्स के घर हो सकते हैं और इन सभी घर में पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना रहेगा इंक्लूडिंग लेबर एंड मटेरियल। तो जनरली तीन टाइप्स के घर बन सकते हैं, क्लास सी, क्लास बी एंड क्लास ए टाइप हाउसेस। तो यहाँ पे टाइप सी के घर का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर एंड मटेरियल रहेगा 750 टू 850 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए हो गया 7.5 टू 8.5 लाख। तो इस बजट में जनरली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स ही बनते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें बीम और कॉलम की फ्रेम नहीं रहती है और स्ट्रक्चर का पूरा वेट ट्रांसफर होता है ब्रिक्स। फिर आगे हम बात करते हैं क्लास बी हाउसेस के बारे में। तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जनरली रहता है 1000 टू 1100 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में। तो इससे हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर अ 1000 स्क्वायर फीट हाउस हो गया 10 टू 11 लाख। तो फिर आगे आता है क्लास ए हाउस जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता है 1300 टू 1800 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में। तो हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया यहाँ पे 13 टू 18 लाख। और इस बजट में हम जनरली एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फ्रेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें बीम कॉलम दोनों मौजूद होते हैं। तो ये हो गई बात ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ हाउस के बारे में, पर यहाँ पे हम ये चीज डिटेल में देखेंगे कि इसमें लेबर के लिए कितना कॉस्ट लगेगा और मटेरियल के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लेबर कॉस्ट ये मकान बनाने में कितना लगेगा। तो सपोज यहाँ पे हमारे घर का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 12 लाख, 12 लाख का हम एक घर बना रहे हैं। तो इसके लिए हम लेबर और मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे जिसका टोटल हो जाएगा 12 लाख। और इसमें हम पहले बात करेंगे लेबर कॉस्ट के बारे में। तो देखिए ये लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन करने में बहुत सी चीजें इंक्लूडेड रहती है और ये सभी चीजों की एवरेज प्राइस हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है सेंटरिंग एंड शटरिंग वर्क जिसकी एवरेज प्राइस है 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फिर आता है स्टील फिटिंग जिसकी प्राइस है रुपीज 18 पर स्क्वायर फीट। फिर उसके बाद आता है स्लैब कास्टिंग का कॉस्ट, तो वो हमने जनरली ऑन एन एवरेज लिया है अभी 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फिर आता है मैसनरी प्लस प्लास्टर का कंबाइंड लेबर वर्क, तो उसके लिए हमने एवरेज प्राइस अभी कंसिडर की है 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट। देन वी हैव टाइल्स फिटिंग एट रुपीज 17 पर स्क्वायर फीट। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक वर्क दैट इज एट रुपीज 8 पर स्क्वायर फीट जिसका कॉस्ट जनरली स्लैब कास्टिंग के बराबर होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लम्बिंग वर्क के बारे में। प्लम्बिंग फिटिंग का लेबर हम लेते हैं रुपीज 12 पर स्क्वायर फीट। तो ये सभी मेन चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा वर्क भी इंक्लूड करना है जिसमें एक्सकेवेशन, एक्स्ट्रा लेबर वर्क, ये सभी चीजें जो कि अनडिजायर्ड एक्सपेंसेस होती है वो इंक्लूड हो जाती है और उसके लिए हमें रखना है 15 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये सभी हो जाएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट में। तो यहाँ पे हमारा टोटल लेबर वर्क हो गया 176 रुपीज पर स्क्वायर फीट और फिर हमें इंक्लूड करना है 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉफिट, मतलब ये सभी काम करने के लिए कॉन्ट्रेक्टर कुछ प्रॉफिट लेगा। तो यहाँ पे हम ऑन एन एवरेज 50 रुपीज ले रहे हैं। तो हमारा ये घर बनाने का टोटल लेबर वर्क का कॉस्ट हो गया 226 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो ये 226 रुपीज पर स्क्वायर फीट सिर्फ एक स्क्वायर फीट का है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने का पूरा लेबर कॉस्ट जो है वो रहेगा 2.26 लाख, दैट इज 2,26,000। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे घर का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 12 लाख रुपीज, तो उसमें से हम ये 2,26,000 निकाल दें तो मटेरियल कॉस्ट बचेगा। 12 लाख माइनस 2,26,000 हो जाएगा 9,74,000। तो ये हो गया हमारा मटेरियल कॉस्ट जो हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से मटेरियल में कितना कॉस्ट लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट है 9,74,000 जिसको हम परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर देंगे सभी मटेरियल्स में। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा जो मटेरियल का कॉस्ट है वो है स्टील का, दैट इज 24.6%। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि स्टील है वो हमारे स्ट्रक्चर का सबसे महंगा मटेरियल है, दैट इज 24.6% ऑफ 9.75 लाख। तो ये हो गया 2.4 लाख, मतलब 2.4 लाख का सिर्फ स्टील लग गया हमें घर बनाने में। उसके बाद आता है सीमेंट, तो 16.3% ऑफ 9,74,000 के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हो गया सीमेंट का। तो
हमें मिला 1.6 लाख, मतलब 1.6 लाख का सिर्फ हो गया सीमेंट। फिर आता है फाइन एग्रीगेट जो है 12.3% ऑफ 9,74,000, तो वो हो गया 1.2 लाख। उसके बाद नंबर आता है कोर्स एग्रीगेट का जो है 7.4% ऑफ 9,74,000, तो उसकी प्राइस हो गई 72,000। तो ये जो मेन मटेरियल्स थे कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि स्टील, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये सभी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद आता है फिटिंग्स, जिसमें भी बहुत सब डिविजन है, जैसे कि प्लम्बिंग, सैनिटरी वर्क, डोर्स, विंडोज, इलेक्ट्रिक फिटिंग, तो ये सभी चीजों का टोटल है 22.8% ऑफ 9.74 लाख, तो ये हो गया 12.22 लाख। तो आइए इसमें हम सब डिविजन भी देख लेते हैं, जिसमें प्लम्बिंग है 5.5%, इलेक्ट्रिक वर्क है 6.5%, फिर सैनिटरी वर्क है 4.5%, फिर विंडोज है 3% एंड डोर्स है 3.4%, तो ये टोटल हो गया 22.8% ऑफ 9.74 लाख। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे टोटल हो गया 2,22,000। और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट मटेरियल कॉस्ट है फिनिशिंग वर्क के लिए, तो फिनिशिंग वर्क में पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइल्स फिटिंग, ब्रिक वर्क, ये सभी चीजें इंक्लूड होती है, और इसका टोटल है 16.6% ऑफ 9.74 लाख, तो वो हो जाएगा 1.6 लाख। तो इस तरह से हमने 12 लाख के घर में 9.74 लाख के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट और 2.26 लाख के हिसाब से लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन किया। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।